Assalamu alaikum students, today we are going to discuss conics in polar coordinates. Conics se hamara matlab ye hota hai ke shapes like ellipse, circle, parabolas and hyperbolas. Aur aaj ke lecture mein hum exercise 10.5 of Thomas calculus solve karenge aur hum dekhenge ke polar coordinates ki terms mein aap equations ko kis tarah se likh sakte hain. To polar coordinates ko discuss karne se pehle zaruri hai ke hum ek dafa revise kar lein कि हमारे पास और कौन से कोऑर्डिनेट्स सिस्टम हैं. जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप अभी तक फैमिलियर हैं, डेट इज़ कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी भी पॉइंट पी की पोजीशन बता सकते हैं फ्रॉम ओरिजिन और फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस. कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो बेसिकली आपके पास एक्स और वाई एक्सिस की टर्म्स में बात करते हैं. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट पी हो किसी भी लोकेशन पे और आप एक ओरिजिन डिफाइन कर दें, ठीक है, और फिर आप बता सकते हैं कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप एक्स कह देते हैं, और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को आप वाई कह देते हैं, और फिर आप बता देते हैं कि ये पॉइंट जो है वो लेट्स से टू और थ्री लोकेशन पे आए. मतलब क्या है कि टू यूनिट्स ये एक्स एक्सिस पे लाया करता है और थ्री यूनिट्स ये वाई एक्सिस पे लाया करता है. तो इस तरह से आप कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स को स्टडी करते हैं या डिफरेंट लाइंस को, डिफरेंट ज्योमेट्रीज को स्टडी करते हैं. कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है विच इज़ नॉन एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो पोलर कोऑर्डिनेट्स को आज हमने स्टडी करना है और उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में हम किस तरह से डिफरेंट इक्वेशंस को लिख सकते हैं, इस चीज़ को हमने स्टडी करना है. कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिस तरह आपके पास एक्स और वाई की टर्म्स में बात करता है, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास वो आपके साथ आर और थीटा की टर्म्स में डील करता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वट इज़ आर एंड वट इज़ थीटा. आर जो है बेसिकली इसको आप कहते हैं डिस्टेंस फ्राम ओरिजन, डिस्टेंस फ्राम ओरिजन, और इसको आप डायरेक्ट डिस्टेंस फ्राम ओरिजन भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी पॉइंट पी का ओरिजन से जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, यानी कि इस तरह से ये डिस्टेंस आपके पास आर होगा और ये लेट से पॉइंट पी था आपके पास, तो इसका जो डायरेक्ट डिस्टेंस है फ्राम ओरिजन, अगर पॉइंट यहाँ पर लोकेटेड था कोई दूसरा पॉइंट क्यू, तो इसका जो डायरेक्ट डिस्टेंस फ्राम ओरिजन बनेगा उसको आप आर कह देंगे. ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास दूसरा वेरिएबल है थीटा, और थीटा हमारे पास है एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो इस पॉइंट का जो भी एंगल बन रहा है फ्रॉम एक्स एक्सिस उसको आप थीटा कह देते हैं. तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आर और थीटा की टर्म्स में आप किसी भी पॉइंट को, चाहे वो किसी भी लोकेशन पे कहीं पे भी लोकेटेड हो किसी भी प्लेन में, तो आप इजीली आर और थीटा अगर उसके लिए डिफ़ाइन कर दें तो आप एग्जैक्टली उसकी पोजीशन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, और उस पॉइंट को आप एग्जामिन कर सकते हैं प्रॉपरली. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्रीज जो हैं उनके केस में कन्वीनियंट होते हैं, हम ज़्यादा आसानी के साथ उन ज्योमेट्रीज को स्टडी कर सकते हैं. और वो ज्योमेट्रीज हमारे पास किस तरह की हैं, वो हैं सर्कल, स्फीयर या शेल्स होते हैं आपके पास जिस तरह से. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कन्वीनियंट, आर यूजफुल इन केस ऑफ सर्टन ज्योमेट्रीज लाइक सर्कल, एलिप्स, स्फीयर और डिफरेंट शेल्स. तो उनके केस में पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करने से काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम में. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम उसके कोरिस्पोंडिंग इक्वेशंस को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं. तो पोलर इक्वेशंस एंड देयर ग्राफ्स, जिस तरह हम कोई भी कार्टीजियन इक्वेशन गिवन होती है हमारे पास, लेट से वाई इक्वल्स टू वन माइनस एक्स, ये अगर हमारे पास इक्वेशन है तो हम क्या करते होते थे कि एक टेबल बनाते होते थे
जिसमें एक्स की हम सर्टन वैल्यूज चूज करते थे और उसके कोरिस्पोंडिंग हम वाई की वैल्यूज लिख लेते थे। एक टेबल बनाने के बाद हम इन सारे पॉइंट्स को ड्रा कर देते होते थे और हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो सॉरी एक ग्राफ जो है इस इक्वेशन के कोरिस्पोंडिंग वो बन जाता होता था। लेकिन पोलर इक्वेशंस और फिर उनके कोरिस्पोंडिंग ग्राफ्स किस तरह से बनाए जाते हैं इसको अभी हमने स्टडी करना है। तो फर्स्ट केस आप कंसिडर करें कि लेट आर इक्वल्स टू ए, जो आर की वैल्यू है यानी कि जो डायरेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, लेट से उसकी वैल्यू है ए। ए जो है आपके पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। लेट से इसकी हम एक और स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं कि आर इक्वल्स टू थ्री। तो आर इक्वल्स टू थ्री का मतलब यह है कि आपके पास पॉइंट्स का एक ऐसा सेट जिस पे आर की वैल्यू हमेशा थ्री रहती है, यानी कि ओरिजिन से जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा थ्री हो उसको आप कहेंगे कि वो ग्राफ है आर इक्वल्स टू थ्री का। तो इसको आप कह सकते हैं कि सच पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज थ्री। तो इसको एक और टर्म में आप यूं लिख सकते हैं कि इट इज अ सर्कल हुज रेडियस इक्वल्स टू थ्री, सर्कल विद रेडियस इक्वल्स टू थ्री। तो हमारे पास आर इक्वल्स टू थ्री का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस शेप का होगा और ये आपके पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका डिस्टेंस हमेशा जो है वो ओरिजिन से यानी कि सेंटर से थ्री के इक्वल रहेगा। अगर आप इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे तो इसका डिस्टेंस भी आर इक्वल्स टू थ्री होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी आर इक्वल्स टू थ्री। कोई भी आप यहाँ पे पॉइंट ले लें इस पूरी लाइन पे तो आपके पास इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो आर इक्वल्स टू थ्री है, रेडियस इक्वल्स टू थ्री। तो ये आपके पास एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस इक्वल्स टू थ्री है। सिमिलरली हमारे पास दूसरा केस हो सकता है कि थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट। थीटा नॉट आपके पास कोई भी एंगल है, लेट से आप कंसिडर कर लें कि थीटा इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई थ्री विच इज 60 degrees, ठीक है। तो ये आपके पास एक ऐसी लाइन है या पॉइंट्स का एक ऐसा सेट है जिसके लिए एंगल हमेशा 60 डिग्रीज के इक्वल रहे फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे कि इट इज़ अ लाइन थ्रू ओरिजिन जो ओरिजिन से पास कर रही है आपके पास, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस तो लेट से ये हमारे पास एक्स एक्सिस था और 60 डिग्री एंगल आपके पास ये बन गया 60 डिग्री एंगल। और इस लाइन पे अगर आप कोई भी पॉइंट चूज कर लें तो उसका जो एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस वो आपके पास 60 डिग्रीज के इक्वल है और यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है आर की वैल्यू पे, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यानी कि सारी वैल्यूज आप आर की कंसिडर कर लेंगे। तो ये आपके पास एक ऐसी लाइन बन रही है जिसका एंगल हमेशा 60 डिग्रीज है फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करते हैं कि जिनसे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को मज़ीद इजीली ड्रा कर सकें, इक्वेशंस को ड्रा कर सकें। लेट्स से हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है विच इज़ सेइंग दैट आर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू टू एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन एंड थीटा इज, अब आपके पास यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होने लगे हैं, थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय टू, पाई डिवाइडेड बाय टू जो है वो 90 डिग्रीज होते हैं एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसको हमने ड्रा करना है। अब लेट्स से आपके पास ये वन डिस्टेंस है, ये टू डिस्टेंस है, सिमिलरली लेट्स से ये वन डिस्टेंस है और ये टू डिस्टेंस है। थीटा जो है वो ज़ीरो से लार्ज है और 90 डिग्री से स्मॉल है, यानी कि यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होता है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है वाई एक्सिस पे। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास ये बन रहा है इसमें आपके पास ये ग्राफ लाए करेगा, ये बात तो क्लियर हो गई आपके पास। दूसरा ये कह रहा है वो कि आर जो है वो ग्रेटर देन है 1 या इक्वल्स टू है 1। तो अगर इक्वल्स टू 1 आप कंसिडर करें तो आर की वैल्यू यहाँ तक बनती है और ये आपके पास आर की वैल्यू बनती है 1 और ये भी आर की वैल्यू 1 बनती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मैच कर दें, यानी कि आर की वो वैल्यू 1
जो 0 डिग्री पे लाए करती है, और फिर 0 से लेके 90 डिग्री तक आपने चले जाना है और आर को 1 के इक्वल रखना है। तो आपने यू मूव कर लिया 0 से लेके 90 डिग्रीज तक। और इसी तरह आर जो है वो 2 तक आप लेके जा सकते हैं, आर को एक्सटेंड कर सकते हैं 2 तक, लेकिन 2 से लेस रहना है या 2 के इक्वल रहना है, 2 से इंक्रीज नहीं करनी आपने वैल्यू। तो आर इक्वल्स टू 2 जो है उसके लिए भी आपने 0 से 90 डिग्री तक मूव करना है, क्योंकि एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्रीज है। और यहाँ से अगर आप इस फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो गिवन है डाटा उसके कोरिस्पॉन्डिंग वो ये कह रहा है कि आर जो है 1 से लार्ज होना चाहिए और 2 से स्मॉल होना चाहिए, इसके दरमियान सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो इसको आप हाईलाइट कर देंगे, शेड कर देंगे, कि ये आपके पास एक गिवन जो इक्वेशन है उनका ग्राफ बन रहा है कि आर जो है वो 1 से 2 तक है और 0 से 90 डिग्री तक जा रहा है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन का। सिमिलरली अगर आप एक और केस कंसिडर करें जिसमें आर की वैल्यू आपके पास लेस देन और इक्वल्स टू 2 है एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 है, और थीटा जो है आपके पास डेट इज़ पाई डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें तो थीटा आपके पास फिक्स है विच इज़ 45 डिग्रीज, रेडियस जो है वो 2 से लेस है और -3 से लार्ज है। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ तक डिस्टेंस जो है -3 बन जाता है और यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 2 के इक्वल बन जाता है, और इस लाइन का एंगल अगर आप देखें तो वो 45 डिग्रीज है, और यहाँ तक रेडियस 2 है, यानी कि 2 से लेस होना चाहिए रेडियस और -3 से लार्ज होना चाहिए। सो 2 से लेके -3 तक जो लाइन बनेगी विद एंगल 45 डिग्रीज, ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा इस इक्वेशन का। सिमिलरली हमारे पास एक और केस है जिसमें आर इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 0 है, और थीटा जो है आपके पास वो अगेन पाई डिवाइड बाय 4 है, यानी कि 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे भी आपके पास वो ये कह रहा है कि एंगल जो है वो 45 डिग्रीज है, और जो रेडियस है या जो डायरेक्ट डिस्टेंस है पॉइंट का वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। लेस देन 0 होने का मतलब ये है कि नेगेटिव आपके पास डिस्टेंस है। तो ये ऑल वैल्यूज ऑफ रेडियस जिनकी वैल्यू नेगेटिव है आपके पास वो इस एक्सिस में बनती हैं, क्योंकि इस एक्स क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स जो है वो भी नेगेटिव होता है, वाई जो है वो भी नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव वैल्यूज ऑफ आर बनती हैं। एरो लगा के आप शो कर देंगे कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारी नेगेटिव वैल्यूज इसमें शामिल हैं, और इन सारी नेगेटिव वैल्यूज का जो एंगल बनता है वो 45 डिग्रीज बनता है आपके पास। तो इस तरह से ये ग्राफ आपके पास बन जाएगा। सिमिलरली डिफरेंट एग्जाम्पल्स गिवन है आपकी बुक में, आप उनको देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राफ जो हैं वो ड्रॉ किए गए हैं। अब हमने यहाँ पे रिलेशनशिप स्टडी करना है बिटवीन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स, के किस तरह से आप इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं, और अगर आपको कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिख सकते हैं, या पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन पोलर एंड कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे सबसे पहले हम एग्जामिन करते हैं कि कार्टीजियन और जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम एक ही प्लेन पे एग्जामिन करते हैं, ताकि हम उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो ड्रॉ कर सकें। लेट्स से हमारे पास ये कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट का जो डायरेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो आपके पास आर के इक्वल है। इसको आप एक वेक्टर कंसिडर कर लें, और इसके बाद इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस जिसको आप थीटा कहते हैं, तो ये डिस्टेंस आपके पास थीटा हो गया। अब अगर आप देखें तो इस पॉइंट को अगर आप प्रोजेक्ट करें ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से इस पॉइंट का उसको आप एक्स कह देते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है उसको आप वाई कह देते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक वेक्टर गिवन हो जिसका एंगल थीटा हो फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे उसकी प्रोजेक्शन आप लिखते होते हैं एक्स इक्वल्स टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि आर इंटू कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पे आप उसकी प्रोजेक्शन लिखते होते हैं वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, यानी कि ये कंपोनेंट जो होता है आपके पास ये आर साइन थीटा होता है। इसको आप ट्रांसलेट करके वाई एक्सिस पे शो कर सकते हैं, यानी कि वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो इन एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने
एक ही पॉइंट को लिख दिया कार्टिजियन यानी कि एक्स वाई की फॉर्म में भी और आर थीटा की फॉर्म में भी, और हमने उसका रिलेशन जो है वो डिवेलप कर लिया। और हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो इन दो इक्वेशन में आपके पास आर और थीटा भी इन्वॉल्व हैं और एक्स और वाई भी इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन कार्टिजियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर आप इन इक्वेशंस को स्केयर करके ऐड करें यानी कि स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा विच इज़ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। स्केयर भी कर रहे हैं हम इन इक्वेशंस को और ऐड भी कर रहे हैं, ठीक है। सो आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, आर स्केयर को आप कॉमन ले सकते हैं, आपके पास आ जाएगा कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा आपके पास वन के इक्वल होता है। तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। और यहाँ पे एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता जाऊँ कि लेट्स से अगर हमारे पास इस तरह से कोई आर वेक्टर है और उसका थीटा आपको यहाँ पे गिवन है, लेट्स से ये थीटा गिवन है फ्रॉम वाई एक्सिस, और इस केस में आप एक्स और वाई को किस तरह से लिखेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है कि एक्स की वैल्यू इस केस में क्या होगी, क्योंकि थीटा तो आपको वाई एक्सिस से मेजर करके गिवन है। तो ये जो एंगल होगा आपके पास, ये एंगल आपके पास बन जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये टोटल एंगल जो है वो पाई बाई टू है। यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा शो करूँ तो ये टोटल एंगल आपके पास पाई डिवाइडेड बाई टू है यानी कि 90 डिग्रीज है, और ये जो लाइन आपको गिवन है इसका एंगल आपके पास थीटा के इक्वल है। तो ये लाइन जो है इसका एंगल आपके पास क्या बन जाएगा, ये एंगल बन जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। तो पाई बाई टू माइनस थीटा आपके पास अब एक्चुअल एंगल है। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि अगर ये एंगल मेरे पास पाई डिवाइडेड बाई टू माइनस थीटा के इक्वल है और ये वेक्टर आर है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर कॉस, और एंगल इस केस में क्या है पाई बाई टू माइनस थीटा, और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। अब अगर आप इनको सॉल्व करें कि एक्स की वैल्यू तो आपको गिवन है आर कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा बन रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू आर, यहाँ पे आप फार्मूला लगा देंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा का। कॉस अल्फा माइनस बीटा का अगर आपको फार्मूला याद हो तो वो था आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब अगर आप कॉस पाई बाई टू यानी कि कॉस 90 जो है वो आपके पास जीरो के इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म जीरो हो जाएगी, साइन 90 डिग्री आपके पास वन के इक्वल होता है, तो ये साइन थीटा आ जाएगा। तो इस केस में अगर आप देखें तो आर इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू आर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप वाई को सॉल्व करेंगे विच इज़ आर इंटू साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, और यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा माइनस बीटा का यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो साइन पाई बाई टू वन के इक्वल होता है, तो पहली टर्म आपके पास कॉस थीटा आ जाएगी, कॉस पाई बाई टू आपके पास जीरो के इक्वल होता है, तो यहाँ से आपके पास वाई इक्वल्स टू आर कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारे पास जो प्रीवियस इक्वेशंस आई थी उनके ऑपोजिट आ रही हैं। और यहाँ पे ये किस वजह से ऑपोजिट आ रही हैं, क्योंकि इस केस में हमारे पास जो थीटा एंगल था वो एक्स एक्सिस से आपने मेजर करके हमें गिवन था, लेकिन ये सेकंड केस में हमें थीटा एंगल जो है वो वाई एक्सिस से मेजर करके दिया गया था, इसलिए एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता था डेट इज़ पाई बाई टू माइनस थीटा, और फिर जब हमने उसको सॉल्व किया तो इक्वेशंस की फॉर्म जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस तरह का केस भी किसी क्वेश्चन में आ सकता है, और उसमें आपने सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स हैं उनको यूज़ करके तो इक्वेशंस को डिराइव कर लेना है। Now we are going to solve exercise 10.5. और exercise 10.5 में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 62। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो वेरी सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम मेथड से होते हैं, कोई इनमें चेंजेस नहीं है, और इसी तरह वेरी सिंपल क्वेश्चन हैं ये आपके पास, तो इसलिए आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई इनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का एफ पार्ट हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो एफ पार्ट है उसमें हमें पॉइंट जो है वो आर थीटा की फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और ये पॉइंट आपको आर थीटा की फॉर्म में गिवन है और आपने इसको कार्टीजियन फॉर्म में यानी कि एक्स वाई फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट हमें गिवन है पी फाइव एंड टेन इनवर्स फोर डिवाइडेड बाय थ्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो टेन इनवर्स फाइव फोर डिवाइडेड बाय थ्री अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 53 डिग्रीज एंड 7 मिनट्स। और यहाँ से अब आप देखें अगर तो आर की वैल्यू आपके पास 5 है और थीटा की वैल्यू आपके पास 53 डिग्रीज एंड 7 मिनट्स है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इसको आपने एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी है। तो एक्स हमारे पास होता है इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, क्योंकि जब भी आपके पास यहाँ पे थीटा के मुतल्लिक बताया ना जाए तो आपने यही एज्यूम करना है कि थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ यूजल एंगल है, ठीक है। तो आपने उसको यूजल जो हमारे पास पहला केस था आपने वही यूज़ करना है। और जब आपको क्वेश्चन में चेंजेस करके कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें साथ बताया जाएगा कि थीटा जो है वाई एक्सिस के साथ एंगल है, तो फिर आपने सेकेंड सेट ऑफ इक्वेशंस यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, आर की वैल्यू है आपके पास 5 और थीटा की वैल्यू है 53 डिग्री 7 मिनट्स। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 के इक्वल, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, और अगेन आपने यही काम करना है, साइन 53 डिग्री एंड 7 मिनट्स, तो ये वैल्यू आपके पास 4 के इक्वल आ जाएगी। सो पॉइंट जो है आर थीटा जो हमें गिवन था 5 एंड 10 इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको आप कार्टीजियन की फॉर्म में लिख सकते हैं 3 और 4, यानी कि p r थीटा को आपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ p x y। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि थीटा आपको गिवन है 2 पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई आपके पास 180 डिग्रीज होता है, तो ये आप लिख सकते हैं 120 डिग्रीज, और r आपको गिवन है लेस देन और इक्वल्स टू माइनस 2, और आपने ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले आपने प्लेन ड्रा कर लिया, एक्स और वाई प्लेन ड्रा कर लिया, उसके बाद एक ऐसी लाइन आपने ड्रा करनी है जिस लाइन का एंगल जो है एक्स एक्सिस से क्या हो 120 डिग्रीज हो। तो ये लाइन हमने ड्रा कर दी जिसका एंगल 120 डिग्रीज है फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि 2 पाई डिवाइड बाई 3 है इसका एंगल। अब आर पे क्या रिस्ट्रिक्शन है कि रेडियस जो है वो लेस होना चाहिए माइनस टू से या इक्वल होना चाहिए माइनस टू के। तो लेट्स से यहाँ तक आर इक्वल्स टू माइनस टू बन जाता है आपके पास, तो ये आर इक्वल्स टू माइनस टू और इससे लेस सारी वैल्यूज, तो ये आपने शो कर देना है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक आर जो है वो टू के इक्वल बन जाता है और इन सारी वैल्यूज के लिए आर जो है वो लेस देन टू है। तो इसको आपने सॉलिड कर देना है इस लाइन को, ठीक है, यानी कि ये लाइन आपके पास ग्राफ बन रही है, ये एक ऐसी लाइन है जिसका एंगल 2 पाई बाय 3 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, समवट डिफरेंट है ये क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा गया है कि थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पाई डिवाइडेड बाय 2 90 डिग्रीज होते हैं, एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड आर मॉड इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो ये आर मॉड है आपके पास, इसको जब आप ओपन करेंगे तो एक दफ़ा प्लस वैल्यूज़ के लिए ओपन करेंगे और एक दफ़ा माइनस वैल्यूज़ के लिए ओपन करेंगे, एक दफ़ा प्लस साइन के साथ आप इसको ओपन करेंगे और एक दफ़ा आप इसको माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे। तो जब माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे तो इस माइनस साइन को आप इक्वेशन की दूसरी साइड्स पे लेके जा सकते हैं, माइनस टू एंड माइनस वन। तो आर पे आपके पास ये रिस्ट्रिक्शंस हैं और थीटा पे आपके पास 0 से 90 डिग्री की रिस्ट्रिक्शन है कि 0 से 90 डिग्री तक एंगल जो है वो मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक्स और वाई एक्सिस ड्रा कर लिए, आर जो है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए और 2 से लेस होना चाहिए। तो लेट्स से ये 1 और ये आर इक्वल्स टू 2, ये आर इक्वल्स टू 1, आर इक्वल्स टू 2, 1 और आर इक्वल्स टू 2, सिमिलरली 1 एंड 2। तो ये माइनस 1 और माइनस 2 होगा, ये भी माइनस 1 और माइनस 2। नाउ स्टूडेंट्स 0 से 90 डिग्रीज, ठीक है, तो 0 से 90 डिग्रीज का क्या मतलब है आपके पास कि आर जो है वो 1 था आपके पास और 1 के बाद उसका एंगल जो है वो 0 से 90 डिग्रीज तक जा रहा है, तो 0 से 90 डिग्रीज तक, और फिर आर जो है वो 2 तक है
तो 2 से 2 तक जाएगा और एंगल 0 से 90 डिग्री तक। तो ये सारा रीजन आप शेड कर देंगे क्योंकि आर की वैल्यू 1 से लार्ज और 2 से स्मॉल, तो ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं जो 2 से स्मॉल और 1 से लार्ज हैं, तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी और इन वैल्यूज के लिए एंगल जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा है। अगेन फिर आपके पास आर की वैल्यूज -1 से लार्ज हों और -2 से स्मॉल हों, तो ये वैल्यूज आपके पास ये वैल्यूज बन जाएंगी जो -1 से लार्ज हैं और -2 से स्मॉल हैं आपके पास वैल्यूज, और इन वैल्यूज के लिए एंगल जो है वो अगेन 0 से 90 डिग्री तक जाएगा, तो इन वैल्यूज को आप हाईलाइट कर देंगे। तो इस इक्वेशन का आपके पास ये ग्राफ बन जाएगा। नाउ रिलेशनशिप हम स्टडी करेंगे बिटवीन कार्टीजियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशंस को हमने ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसफॉर्म गिवन इक्वेशंस, गिवन पोलर इक्वेशंस इनटू कार्टीजियन इक्वेशंस। कार्टीजियन इक्वेशंस में हमने उनको ट्रांसफॉर्म करना है। हमें क्वेश्चन नंबर 36 में जो इक्वेशन गिवन है डेट इज आर इक्वल्स टू 4 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा, और इस इक्वेशन को जो हमें आर और थीटा की फॉर्म में गिवन है हमने इसको वाई और एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास जो टूल्स हैं जो हमें चीज़ें ऑलरेडी पता हैं वो ये हैं कि एक्स जो है वो आर कॉस थीटा के इक्वल होता है और वाई जो है वो आर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ से इस इक्वेशन से आप कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, एक्स डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू कॉस थीटा और वाई डिवाइडेड बाय आर जो है वो साइन थीटा के इक्वल होते हैं। लेट्स से दिस इज़ अवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये चीज़ें हमें पहले से पता हैं और इसको इक्वेशन ए कह लेते हैं। तो इक्वेशन ए को आप लिख सकते हैं अगेन रीअरेंज करके कि 4 और 10 थीटा की वैल्यू आपके पास क्या होती है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और सीकेंट थीटा आपके पास होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी आर इक्वल्स टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा को आप मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे, तो बन जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 sin थीटा। यहाँ पे अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करके पुट कर देंगे वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स डिवाइडेड बाय आर, तो एक्स डिवाइडेड बाय आर और इसका स्क्वायर, और 4 साइन थीटा की वैल्यू है वाई डिवाइडेड बाय आर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4y डिवाइडेड बाय आर। ये आर और ये आर एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू 4y डिवाइडेड बाय आर। दोनों तरफ डिनोमिनेटर में आपके पास आर है तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये जो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और 4y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास एक पैराबोला की इक्वेशन है, ठीक है जी। तो ये आपके पास एक पैराबोला है। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में भी हमने पोलर फॉर्म से कार्टीजियन फॉर्म में कन्वर्ट करनी है इक्वेशन, और इक्वेशन गिवन है आर इक्वल्स टू 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1। सिंस वी नाउ डैट यहाँ पे जो हमें इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी हमारे इल्म में है वो ये है कि एक्स जो है वो आर कॉस थीटा के इक्वल होता है और y जो है वो r sin थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा जो है वो x डिवाइडेड बाय r आ जाएगा और sin थीटा जो है वो आपके पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय r। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी r इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय sin थीटा की वैल्यू है आपके पास y डिवाइडेड बाय r माइनस 2 और cos थीटा की वैल्यू है x डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा y डिवाइडेड बाय r माइनस 2x डिवाइडेड बाय r। आप LCM ले लें डिनोमिनेटर में तो हमारे पास y माइनस 2x डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। इस इक्वेशन को अगर आप
इन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा आपके पास 5r डिवाइड बाय y माइनस 2x। रीअरेंज करके लिखते हैं इसको, सो r इक्वल्स टू 5r डिवाइड बाय y माइनस 2x। सो y माइनस 2x, r और r न्यूमिरेटर्स में आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाय y माइनस 2x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो y माइनस 2x इक्वल्स टू 5, सो y इक्वल्स टू 2x प्लस 5। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन है, अगर आप इसको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करें विच इज़ एम एक्स प्लस सी, तो एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप m जो है वो 2 के इक्वल है और y इंटरसेप्ट आपके पास 5 के इक्वल है। सो x एंड y, लेट्स से यहाँ पे y जो है वो 5 है, तो एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी y इक्वल्स टू 5 पे, तो ये आपके पास y इक्वल्स टू 2x प्लस 5 की इक्वेशन है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 61। यहाँ पे मेरे पास स्लाइड्स जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, यहाँ पे मैं सॉल्व करने की इसको कोशिश करता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 61 में हमने कार्टीजियन से पोलर फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, कार्टीजियन टू पोलर फॉर्म। तो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है x माइनस 3 होल स्केयर प्लस y प्लस 1 होल स्केयर इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने इस इक्वेशन को ओपन करना है, स्केयर्स को ओपन करना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्केयर ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला। यहाँ पे आपने फर्स्ट टर्म पे अप्लाई करना है, सेकंड टर्म पे आपने ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला अप्लाई कर देना है। सो एक्स स्केयर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्केयर प्लस 1 प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो सिंपली ए माइनस बी और ए प्लस बी होल स्केयर के फार्मूलाज यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिए, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 6x प्लस 2y और 9 प्लस 1 10, तो प्लस 10 और इस 4 को आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सिंस वी नाउ दैट एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं, एक्स की वैल्यू है आपके पास आर कॉस थीटा जो हमने यहाँ पे पुट करनी है, वाई की वैल्यू है हमारे पास आर साइन थीटा, और उसके साथ साथ हमारे पास जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू होती है वो आर स्केयर के इक्वल होती है। तो ये तीन इक्वेशन हमें पता हैं जो हम यूज़ करते हैं कार्टीजियन से पोलर या पोलर से कार्टीजियन फॉर्म में जाने के लिए। तो इन सारी वैल्यूज़ को आप इक्वेशन वन में पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू आर स्केयर है, तो आर स्केयर माइनस 6, एक्स की वैल्यू आपके पास आर कॉस थीटा है तो आर कॉस थीटा 6 आर कॉस थीटा प्लस 2y प्लस 2, और y की वैल्यू है आर साइन थीटा सो आर साइन थीटा प्लस 10 माइनस 4 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है जो हमने लिख दी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास गिवन हो कार्टीजियन फॉर्म में उसको आप पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं यूजिंग दीज थ्री इक्वेशंस, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल्स टू आर स्केयर। सिमिलरली अगर आपके पास कोई इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में गिवन हो तो उसको आप कार्टीजियन में भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने लास्ट टू क्वेश्चंस में लिखा था। तो इस तरह से पोलर इक्वेशंस और कार्टीजियन इक्वेशंस के दरमियान हम स्विच कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर पे हम मज़ीद कॉनिक सेक्शन को मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स की ही टर्म्स में। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।